सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे काफी लेट हो गया था सोते सोते, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो सोचा था कि 5 बजे पाल के साथ जाएंगे पंडित जी पे पराठे खाने के लिए, वो हुआ ही नहीं। सो अभी थिंग इज कि जब हम उठे 2 बजे, फिर एक वीडियो शूट करना था, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार हुए। रेबेल का एकदम से कॉल आ गया कि रेबेल आज शायद निकलने वाला है, उसका फ्लाइट है कुछ 7, 7:30, 8 बजे, और उसने एक लंच प्लान कराया घर पे अपने। तो अभी हम लोग जल्दी से पहुंच रहे हैं उसके घर, कोशिश करेंगे। ऑल दो अभी उसके घर पहुंचने में कुछ कितना मिनट रह गया है, 38 मिनट रह गए हैं। तो अभी आई होप इतना टाइम हो कि फुर्सत से मिल लें, बात कर लें, 1 घंटा ही सही खा पी लें, ताकि फिर उसके बाद उसको ये ना लगे कि भाई इतना उसकी मम्मी ने भी मेहनत करी होगी यार, बिरयानी बनाई होगी उन्होंने। तो अच्छे से बैठ लें, उनसे भी बात कर लें, रेबेल से भी बात कर लें, सी ऑफ कर दें उसको, बाय बाय हो जाए। तो अभी के लिए हमारे साथ पाल, हेलो, अनदर डे और स्टिल ड्राइविंग द कार। और क्या दिखा रहे हो? देवेश नहीं आया। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं तो और भाई हेलो, क्या हाल है? हाल पूछा है मैंने, मुस्कुरा क्या रहे हो? ये ओ मोमेंट नहीं देना है। अच्छा मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ही देख के कर रहे हैं। हाँ, आज जो है कुछ एक और प्लान हुआ है रेगा के घर पे, तो जो है क्या कहते हैं वो भी होगा जो आपको रेगा के चैनल पे दिखेगा। बहुत गलत है, मजा आ जाएगा। बेसिकली रेगा का अटेम्प्ट व्लॉग का नहीं है, मतलब चैलेंज टाइप है मेरे। हाँ, वो मतलब ये सेल्फ चैलेंज है उसके लिए, बस इतनी हिंट दूंगा, बाकी कुछ नहीं दूंगा। देखिएगा, मजे करिएगा रेगा के चैनल पे। ट्रेंडिंग मत करिएगा, ट्रेंडिंग यहाँ पे करिएगा। और क्योंकि भाई ठीक है भाई, जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है उसको ब्लेस करके, मतलब ये होता है ना, दुनिया में ये कहा जाता है ना कि रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो भाई रिच को कौन पुअर? मतलब व्यूज और सब्सक्राइबर काउंट। जैसे अगर पुअर मिल जाए ना, तो दिल्ली ना सोने की चिड़िया हो जाएगी। अरे जाओ यार, रेबेल को मुझे पता है बहुत मुंह फुलाने वाले हैं वो, हालांकि उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने 3:30 बजे बोला था, हम निकले 4:30 बजे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और सीन ये था कि वीडियो मुझे एक शूट करना था, वो अर्जेंट था, मतलब उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ उस वक्त था नहीं, तो मुझे पहले वो काम करना पड़ा, फिर मैं एडिटर से अपने बात कर रहा था। और सॉरी, ये जो हालत है ना मेरी, वो इसी वजह से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला तैयार होने के लिए। सभी की हालत इस तरीके से, बस तो 5 मिनट बोल के बुला लिया, 5 मिनट में आ जाओ। और भाई निकल छूट चली जा रही है, पाल आ गया भाई उतने टाइम में, 5 मिनट में आ गया पाल, 5 मिनट नहीं भाई, इंसान 5 मिनट में आया भाई, उसके बोलते ही। लेकिन अभी लेट्स गो, रेबेल से मिलने चलते, रेबेल वी आर कमिंग, और रायता बना के रखना जो मैंने वो तुमसे बोला था। सो या लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए हैं, अजीब बिल्कुल ही जंगल में पहुंच गए हैं, पता नहीं ऐसा होस्ट है हमारा, ना रिसीव करने आया ना कुछ, कह रहा है सीधे आ जाओ, टेढ़े आ जाओ। भाई सीधे भी इंसान खो जाता है, टेढ़े भी खो जाता है। देखो भाई वहाँ पे खड़ा हुआ है जाहिल आदमी, बिल्कुल ही पागल है यार ये। भाई मुंबई बुला लेते किसके लिए? किसके लिए? बिरयानी के लिए। मैं कह रहा हूँ तुम कल चले जाना, फ्लाइट ऑन रहेगा। कौन पहुंचा रहा है? हमारे भरोसे मत रहो एयरपोर्ट का। क्यों? मैं जब गाड़ी कौन सी लाया? हम I-10 लाए भाई, रेडबुल जूस सब कुछ है। अभी आप लोग इतना बड़ा सूट के, अच्छा अरे रेबेल बैठ जा, इसमें चलते हैं सब। तुम आप क्या जैकेट ले जा रहे हो क्या? नहीं, वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं पड़ेगी। स्वेटशर्ट, अबे सही, इसका बैग, इसके बाद जो बैग था उसमें वो पड़ गया था ना, मतलब पानी नहीं जाएगा इसमें शायद। ये लेके भी जाना था, मैं पेप्सी मुझे पता है ना। ठीक है, चलो बाय। तो गाइस, आफ्टर ऑसम बिरयानी, कबाब और
कुछ बिरयानी पैक होने के बाद अब जा रहे हैं हम इनको छोड़ने के लिए। इनका सडन प्लान बना है क्योंकि सीन ये हो रहा था कि गेमिंग हाउस में मर्सी होने वाले हैं अकेले, क्योंकि मॉर्टल इज़ गोइंग आउट अलॉन्ग विद तिवारी एंड फैमिली, तो गेमिंग हाउस में कोई नहीं रहता, तो मर्सी का अकेला रहना सही नहीं था। तो अब जो है रेबल जा रहे हैं गेमिंग हाउस में उनका साथ देने के लिए। हम लोग कुछ दिन बाद आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज बाद। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे रेबल को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, और रेबल की फ्लाइट इज एट 7:40। कौन सी है? विस्तारा। विस्तारा है लास्ट फ्लाइट ऑफ द डे, विस्तारा 7:40 की। अभी यहाँ पे 6:25 होने वाले हैं। हालांकि यहाँ से रास्ता बहुत पास है एयरपोर्ट का, कुछ 10 मिनट का रास्ता है। रेबल यहाँ पे हमारे गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि पाल जो है अगर यहाँ पे होते तो उनकी नजर यहाँ कम और यहाँ ज्यादा होती मैप पे। अच्छा, इसलिए 10 मिनट का रास्ता यहाँ पे 30 मिनट का बन जाता। बहुत रैश ड्राइविंग हो रही है यहाँ पे, 40 पे चल रही है गाड़ी। हाँ 40 पे ही चल रही है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। बस हॉर्न वॉर्न की आवाज ज्यादा आ रही है क्योंकि हम हॉर्न ज्यादा दे रहे हैं, चला कम रहे। थोड़ी सी नई गाड़ी है, बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं है, चलती नहीं है। वो शोरूम में खड़ी थी, फिर शोरूम के बाद इसके घर के बाहर खड़ी हो गई। तो बात वही है, फर्क सेम ही था वैसे। ठीक है, खरीदी गई है रिसेंटली, लेकिन नहीं, पागल हो गया, दो साल हो गए। चार पांच गाड़ियां है ना, तो समझ नहीं आता कौन सी निकाली जाए। अच्छा, टाइम इज 6:27। ओके, 6:23 एंड 6:27 डिसाइड कर लिया। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? चलिए फिर, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको। हाँ, ऑन द अदर साइड मिलते हैं। टाइम बता दो भाई अपना, कब आ रहे हो? भाई मैं 25-26 तारीख तक सोच रहे हैं हम लोग, दिल्ली खाली हो गया। अरे भाई अब प्लान बनेगा। कट। तो रेबेल को छोड़ने के बाद अब सीन ऐसा हो गया, थोड़ा सा एफ ये हो गया कि रेबेल ने कुछ सामान दिया है गोल्डी भाई को देने के लिए, वो एड्रेस देना भूल गए हैं। गोल्डी भाई का एड्रेस हम में से किसी को पता नहीं, ना मुझे ना रेगा को, और एड्रेस वो देना भूल गए। अब ना गोल्डी भाई कॉल उठा रहे, ना रेबेल कॉल उठा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करा क्या जाए, तो मैं उनको जो कॉल करके परेशान कर रहा हूँ वो कुछ गलत सा कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम ऑन माय वे गुल्ली भाई। तो गाइज अभी हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं रेबेल को छोड़ के एयरपोर्ट से, और गुल्ली भाई से बात हुई। गुल्ली भाई कहीं जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए, और उनको कहीं जाना था किसी फंक्शन में, जिसकी वजह से अभी हम लोग उनसे मिल नहीं पाए। तो अभी शायद कल मोस्ट प्रोबेबली उनसे मिलेंगे, और अभी हम लोग जा रहे हैं इंस्टेंट जो है फ़ौरन रेगा की जो वीडियो है उस पर काम करेंगे। रेगा को तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, और मैं भी मदद करूँगा उसकी, देखते कैसा जाता है, किस तरीके का आज रहेगा, पकाएंगे कुक करेंगे भाई। तो लेट्स सी किस तरीके का जाता है, एंड विल सी यू ऑन द अदर साइड। तो गाइज अभी हम लोग पका के वापस आ चुके हैं, और लेट्स सी कैसा होता है, सब लोग टेस्ट करेंगे कि कैसा है। पाल आया हुआ है, दिवेश आया हुआ है, और उसके घर वाले तो है ही हैं। तुम्हें क्या क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? नो एक्सपेक्टेशन, खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। भाई हमारा भी यही है, मैं तो रेबेल ने जो पैक करा के दिया मैं वो खा लूँगा, उसी से खुश रहूँगा। लेकिन भाई आंटी अंकल तो कहेंगे बेटे ने क्या बनाया, क्या बनाया। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। हाँ मैं तो ऑनेस्ट दूंगा, मैं तो फुल ऑनेस्ट दूंगा। और अभी चलते हैं, देखते हैं कि कैसा टर्न आउट होता है। पूरा बन चुका है बहुत देर की मेहनत के बाद, थोड़ा सा पसीना वसीना भी आ गया, तो लेट्स सी चलते हैं वहां पे, देखते हैं क्या हो रहा है। बटर चिकन का कलर तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई। सही है। कैसे बोल रहा है भाई, इतना प्यारा कलर है बटर चिकन का, ये पहला टेस्ट मामा। सिनेमैटिक कर लेंगे मामा द्वारा। सिनेमैटिक लोगे? बढ़िया बना, बस ठीक है, बढ़िया बना। क्या बटर नान ही नहीं, बटर चिकन बेवकूफ। क्या कलर है? बहुत बढ़िया बना है, अच्छा बना है, अच्छा बना है। उम्मीद तो दी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन देख लो। इसे तो पूछो
अभी हम लोग निकल चुके हैं चाय पीने के लिए। रेगा ने कहा कि चाय की ट्रीट चाहिए उसको मुझसे। अभी हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए। खाना खा लिया हमने, मस्त चिकन बना था भाई, मस्त बिल्कुल मजा आ गया भाई। मैंने क्या ही चिकन में मदद करी है, चाय का मजा अलग है भाई। सर्दी में चिल्स, चाय इन चिल्स में मजा ही अलग है गाइस। मैंने तो अपनी चाय खत्म कर ली भाई, मैं तो प्रो चाय पीने वाला हूँ, सड़ासड़ पी जाता हूँ। तुम्हारी भी खत्म हो गई, तुम्हारी खत्म हो गई देवेश? बहुत बढ़िया भाई। चाय पीने का जैसे मैंने बताया असली मजा होता ही तभी है यार, क्या कहते हैं, या तो बिल्कुल लेट नाइट। हम लोग निकलते ही हैं वहाँ पे अलीगढ़ में 3-3 बजे रात में निकला, और फिर 3 बजे या फिर सुबह 7 बजे तभी हमेशा गुड मॉर्निंग स्टोरी डल ली थी चाय के नाम पे। वहाँ की चाय तो यार अलग ही होती है, वहाँ पे ढाबा कल्चर ही है। वहाँ पे एक पूरी रोड है जहाँ पे ढाबे 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 हैं। हॉस्टल वाला एरिया है ना, तो लौंडे ढाबा गिरी करते हैं वहाँ पे। मज़े की बात देखिए, इन्होंने चिकन बनाया, इन्होंने तबीयत से खाया भी नहीं। हाँ तो वो बटर नान ने पेट ही भर गया, वो चबा चबा के मुँह थक गया, पेट पेट भी थक गया, हो गया मेरा। हाँ ये भी है यार, तो अब इसी के साथ किसी की ब्लॉग की एंडिंग चल रही है, मिलते हैं। अच्छा हाँ, हम बस हम आप एंड होने माहिर तो एंड करना चाहेंगे। 4:15 सुबह के 4:10 हो रहे हैं और ये लड़के अब दोबारा निकले हैं गेड़ी मारने के लिए। चाय पियेंगे, गेड़ी मारने निकले, मतलब इतने बिगड़ गए ये लोग, समझा रहा हूँ पर नहीं मानना नहीं है। इतना मना किया मैंने इन लोगों से, मत निकलो 4:15 बहुत लेट है रात का। यूटर्न लेगा तो बढ़ जाएगी गाड़ी दीवार में, देखो तो मतलब इतना मना किया मैंने। ऐसा नहीं होता है, जो अपना चैनल है तो कुछ भी बोल दो। हाँ। सबको रजाइयों से निकाल निकाल के आप लाए हो। मैं हमारी हालत देख लो, जेब में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, लगता है तुम निकलने वाले। शर्म कर लो, सोच रहे थे कंबल ले भाई, दोनों पीछे आराम से कंबल ले। मैंने तो ऐसा, मामा ने तो बस अपनी रजाई ओढ़ ली है, चलो ये निकाल लेगा, ये चौकीदार निकाल लेगा, फिर घुस आगे फिर घुस। चाचा वो पता क्या सोच रहा है, तो कैमरा लेके आ जाते हैं और मेरी फोटो खींचते रहे, तेरे पोर्ट्रेट की तरह बन गई, शक्ल बन गई भैया की। कह रहे यार जाते जाते अभी पूछ लेगा ये वाइट, ये वाइट टुड्डी वाला जा कब रहा है, इसकी टुड्डी तोड़ दूंगा। नहीं यार तो नहीं, मेरे से पूछेगा भैया तुम भी कब नहीं हो, अच्छा मजे की बात ये है कि अभी हम लोग 4:15 बज रहे हैं, अभी हम लोग निकले हैं, अभी हम लोग 5 बजे दोबारा लौटेंगे, तब इनको दोबारा खोलना होगा और दोबारा फिर दोबारा बाइक लेके जाएंगे, तब इनको दोबारा खोलना होगा। हालात देखिए, सुनो तिहाड़ जेल भेज दूं तुम्हें, काम तुमने कराए जाने वाले। मैंने क्या काम कर दिया ऐसा, ये तिहाड़ जेल थोड़ी है, फिर क्या है तिहाड़ जेल है, और क्या कोई जेल है, तिहाड़ जेल नहीं है, तिहाड़ जेल है भाई। एक कंबल चाहिए बाइक राइड पे, कंबल। मेरे को लग रहा है मम्मा आज तुम्हारे ब्लॉग में बता दी हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं बताना भाई, सरप्राइज देंगे सबको, किसी को बोलेंगे नहीं, सीधा फ्लाइट की फोटो डालेंगे। हाँ तो मैं बता रहा हूं, तो गाइस सीन ऐसा है कि अभी जो 4 बज गए, तो अभी जब हम लोग वापस लौटे हैं तब से लेके अभी तक में ये सीन हुआ है कि थक को हमने मैंने कॉल किया खैरियत लेने के लिए, और उतने में एक प्लान बन गया, और वो प्लान मैं अभी बताऊंगा नहीं,
और प्लान मेरा रहेगा का और ठक्का बन गया। गोल्डी भाई को भी कॉल किया था और बहुत ही गलत प्लान बन गया, लंबा और गलत, और एकदम ही वो हमारा लॉस भी दे सकता है प्लान। हाँ वो प्लान हमें लॉस में डाल देगा यार। हाँ और क्या ठीक। अबे रुक यार, तो अभी भाई हम लोग फिर निकलेंगे घूमने के लिए 5-5 बजे, लौटेंगे 7-8 बजे और फिर उसके बाद सोएंगे। आज का दिन भी पेटेगा फिर उसके बाद भी चलेंगे। आज की रात वेस्ट होती, एक होता या तो रात, आज की रात अगर हम सो जाते ना तो मैं तो एक प्लान से बच जाते। वो मजा आएगा थक, बता रहा हूँ मैं, मजा गलत आने वाला है थक। लेकिन सुनो पीसी, आप पीसी भिजवा दो यार, दिख रहा है मेरी तरफ आ रही है थक, नहीं मतलब थक पीसी भिजवा दो, मेरा बहुत दिली तमन्ना है अलीगढ़ में, मतलब मैं अपने घर में पीसी देख लूं कि भाई पीसी, भाई गेमिंग पीसी। अम्मा कुछ बोलना चाहिए घर में हमारे, हाँ मतलब मेरा सेटअप देख लोगे ना आप लोग गाइस। नहीं घर में तो तुम्हारा पीसी रह चुका है, यहीं से ही तो तुमने मुंबई भेजा था। वो एक तब पीसी वो काम का था, वो तब भी इंटू प्रॉब्लम आ जाता वो। वैसे एक बात बताऊँ यार, पबजी चला गया लेकिन यार वैलोरेंट ने बहुत सही जगह बना लिया यार, मतलब हमारे मतलब अरे वो गेम ना, अगर वो CS:GO टाइप गेम होती है तब पसंद नहीं आता, तब तो वो एबिलिटीज वगैरह, एबिलिटीज वगैरह ना, वो चीज हमेशा भाई यार ग्राफिक्स और एबिलिटीज किसी भी खेल में कुछ तो चाहिए ही था। हां मिल गया अमंगस था, एक अमंगस एक टाइम पे फिर लड़ झगड़ के बोर हो जाता है। वैलो में रहता है कि रैंक है ना, रैंक जो सिस्टम है ना, रैंक सिस्टम कोई भी गेम में अच्छा ही होता है अगर तुम घुस गए हो तो। फ्लैट तो इस बार जाके रहूंगा, इस बार तो जाके फ्लैट तो जाके रहूंगा, मतलब फ्लैट तो एक बार, मतलब वो गोल्डन और वो सिल्वर वाला जो है ना ट्रॉफी, उसकी जगह मतलब बैच की जगह एक मैं ब्लू बैच चाहता हूँ। हाँ मेरे को नहीं मिला चलेगा, मैं लायक नहीं, लायक की बात नहीं है भाई, गोल्ड वन तक तो पहुँच गया। रेडिएंट की तो सेक्शन तो देखा तुमने? नहीं रेडिएंट चले, चलते रेडिएंट जाएंगे, रेडिएंट जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, उसके बाद देखते हैं बाइक मिल जाए तो बढ़िया है, मौजे आ जाएंगे। लेट्स सी अगर ये बाइक वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया मज़ा आ जाएगा। तो भाई सीन ऐसा है कि बाइक जमा हो चुकी है और ये हेलमेट तो मैंने पता नहीं कितने सालों बाद लगाया, मुझे हेलमेट से सख्त नफरत है। खैर हमारे छोटे से शहर में हेलमेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे देवेश और बहुरानी थोड़ा सा तैयार हो चुकी हैं और इतनी ठंड लग रही है, चले ठंड लग रही है अभी तो मैं रुकी हुई बाइक पे। तो भाई तुम कुछ पहन लो भाई, तू भाई रहने दे, वो नहीं पाएगा। हमारी वहाँ पे बाइक खड़ी हुई है थोड़ा सा दूर, वहाँ पे R15 खड़ी हुई है, कुछ और पहन लो। मैं हाँ सुपर क्या पहनूंगा, दो जैकेट है दो, हाँ दो ही जैकेट तो नहीं बोलेंगे उसको। चलो चलो अरे सब अभी थोड़ा सा चलो, डन है पक्की बात, चलो ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू हिट द रोड, पाल पकड़ेंगे हमारा कैमरा, पाल के पकड़ने पे है, गिरा दोगे तो भाई खत्म हो जाएगा करियर। नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे पक्की बात है, ऐसा दिल मुंह में आ रखा है पीने। मेरे दोस्त की चप्पल यहाँ पे रुके हैं कहाँ पे, मुनस्सी पुराने वाली, अब हम जाएंगे CP फिर आपको दिखाएंगे। ये 1.75 मिलियन के अलावा बढ़ गई। हाँ ये ठंड से चार तो बाल स्पाइक हो गए भाई के बाल भी गए, क्या हो गया बस दो ऑप्शन थे, इधर वी कुड हैव गॉन टू पंडित जी फॉर पराठा और वी कुड हैव कम हियर चैन चावल वाला CP पे। तो यहाँ पे क्रेविंग क्योंकि जो है हमारे
देवेश भाई सिर्फ जो है चावल खाते हैं राजमे के साथ, तो चावल नहीं खाता और चावल नहीं खाते ये, सो इसलिए हम लोग आ गए। मजाक कर रहा हूँ, इतनी फुटेज नहीं देनी चाहिए। सीन ऐसा था कि यहाँ पे मैं एक बार आ चुका हूँ PMCO के टाइम पे, गोल्डी भाई लेकर आए थे यहाँ पे इस जगह पे पहली बार, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया था, तो मुझे ये जगह याद थी। साथ ही साथ हमारा ये भी आ गया, हमारा छोले ये नहीं खाना मिलता एज वेल एज भटूरे, सब चाट के बोल रहा है ये नहीं खाना, छोले भटूरे लाओ। तो मैंने जब छोले भटूरे देखे ना वहाँ से लेकर आ रहा है देवेश, तभी मैंने इसको फौरन चम्मच भी रख दिया और पावड़ भी रख दिया मैंने। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इंडिया गेट की तरफ हम लोग जाएंगे और इंडिया गेट से फिर सीधा घर। उनका किस तारीख का प्लान है? 20 तारीख का प्लान है, जो हम आपको नहीं बताएंगे, हम कुछ बताएंगे ही नहीं, बस स्टोरी डालेंगे एक एक स्टोरी डालेंगे फ्लाइट की। हम नहीं स्टोरी फ्लाइट की, फ्लाइट की चलो डाल देंगे, लेकिन हम ये भी नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँच के बताएंगे सिर्फ आपको, मेरे को पता बस। हाँ मतलब तीन लोगों में है, आपको मेरे को और आपके कैमरे को पता है। हाँ मेरे तीन लोगों को पता है, मैं तुम कैमरे हेलो और रेगल टॉस। गाइस हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं, रहेगा तो बिल्कुल डाउन हो गया, वो तो चला गया अंदर। हम लोग अभी, मैं भी जाके बिल्कुल पड़ जाऊंगा लोअर चेंज करके, लौंडे भी थक गए हैं। जाओ सो जाओ, मिलते हैं 3-4 बजे। वो जो अभी बात हुई है, चलेंगे वहाँ पे भी और तुम्हारे लौंडे के पास भी, ठीक है ना? जाओ सो जाओ, चलो ठीक है, ओके चलो बाय बाय गुड नाइट। हालात देख लो, गुड मॉर्निंग पे गुड नाइट हो रहा है, लेकिन मज़ा आया आज बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आया। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड नाइट आंटी। हाँ, 4 बजे तक सुन। वेरी एक्साइटिंग डे और नाइट, सॉरी एक्साइटिंग नाइट, और यहीं पर अभी हम लोग आज का अपने दिन और रात दोनों ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना, टिल देन Love you all, as always, take care, keep loving me, as always, good morning and good night, take care, goodbye guys. Yo.